तो दोस्तों, अगर आपको एक इन्वर्टर की ज़रूरत है और आप उसको ख़रीदने के लिए उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 इन्वर्टर इन इंडिया के बारे में। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक इन्वर्टर ख़रीदते हैं तो क्या क्या फ़ीचर उसमें आपको देखने होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेस्टोपीडिया। तो अगर हम इनके फीचर्स पर चलें तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका जो इन्वर्टर है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, कितने वोल्ट पर वो काम करता है। उसके बाद आप उसका पावर कंजम्पशन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने वोल्ट की बैटरी आपका जो इन्वर्टर है वो सपोर्ट करता है। आपके इन्वर्टर की जो मैक्सिमम लिमिट है बैटरी की सपोर्ट करने की, उतनी बैटरी को वो कितने टाइम में चार्ज कर सकता है, आप उसकी वारंटी देख सकते हैं, आप उसका प्राइस देख सकते हैं, वो जो इन्वर्टर है कितना लोड ले सकता है या कितने वॉट्स आपको प्रोवाइड करा सकता है ये देख सकते हैं, बैकअप टाइम देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही फीचर्स को देखते हुए हमने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें हमने बेस्ट सेलिंग इन्वर्टर को रखा है और हमारी जो वेस्टोपीडिया की टीम है उसने उन पर रिसर्च की है, उनमें से भी हमने 5 इन्वर्टर को छांटा है जो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास एक लुमिनियस का लुमिनियस HKVA नाम का एक इन्वर्टर। ये जो इन्वर्टर है इसकी कीमत है 10,699 रुपये। अब इसकी खास बात क्या है कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 180 वोल्ट, आप 180 वोल्टेज पर इसको चला सकते हैं, तो ये इसकी बहुत अच्छी और ख़ास बात है। इसका जो प्राइस है वो 10,699 रुपये है। ये जो आपका इन्वर्टर है वो डबल बैटरी सपोर्ट करता है 12-12 वोल्ट की, या फिर आप 24 वोल्ट की एक बैटरी लगा सकते हैं। इसका जो चार्जिंग का टाइम है वो 8 से 10 घंटे का टाइम है, आपकी 24 वोल्ट की बैटरी को ये 8 से 10 घंटे में चार्ज कर देगा। ये जो आपका इन्वर्टर है ये किसी भी कॉमर्शियल वर्क के लिए, या फिर आपका कोई ऑफिस है, आपका कोई व्यापार है, वहाँ पर छोटी कोई दुकान है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है और यहाँ पर आपको ये जो इन्वर्टर है वो 1600 वॉट्स प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो इन्वर्टर है आप 10,699 रुपये में अमेजोन पर जाकर खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, सेकेंड नंबर पर है हमारे पास वीगार्ड प्राइम नाम का एक इन्वर्टर। ये जो इन्वर्टर है इसकी कीमत है 5,798 रुपये। अब इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है जितने पर ये काम करता है वो 230 से लेकर 240 तक है। अगर इसके और फीचर्स की बात करें तो इसमें आप 12 वोल्ट तक की बैटरी को चला सकते हैं या फिर 12 वोल्ट तक की बैटरी को ये सपोर्ट करता है। ये आपको 800 वॉट जो है वो प्रोवाइड कराता है और इसकी जो बैटरी है उसको चार्ज होने में 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है। तो ये वाला जो इन्वर्टर है इसमें आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जहाँ पर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कितने टाइम चलेगा, कितने टाइम में चार्ज होगा और कौन से मोड में इन्वर्टर चल रहा है। इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है वीगार्ड की तरफ से। तो 5,798 रुपये इसकी कीमत है, आप इसको खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार अमेजोन पर विजिट कर लीजिए। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है हमारे पास लुमिनियस जेलियो प्लस 1100 नाम का एक इन्वर्टर। ये जो इन्वर्टर है इसकी कीमत है 5,299 रुपये। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है वो 220 से 240 रहता है। ये जो बैटरी सपोर्ट करता है वो 12 वोल्ट तक की सिंगल बैटरी को सपोर्ट करता है। इसमें बैटरी चार्ज होने में 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है और ये वाला जो इन्वर्टर है वो आपको 756 वॉट्स जो है प्रोवाइड कराता है, या फिर 756 वॉट्स तक का लोड ये ले सकता है। ये वाला जो इन्वर्टर है इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है लुमिनियस की तरफ से। आपको एक LCD डिस्प्ले मिलती है जिसमें आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कौन से मोड में इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर को कितना टाइम चार्जिंग में लगेगा और कितने टाइम तक का बैकअप अभी दे सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको LCD डिस्प्ले मिलती है। जो पहले के तीनों इन्वर्टर थे तीनों में आपको मिलती है, तो आप वहाँ पर ये चीज़ें भी देख सकते हैं। तो हम चलते हैं चौथे नंबर के इन्वर्टर पर। दोस्तों, चौथे नंबर पर है हमारे पास लुमिनियस जोल्ट नाम का एक इन्वर्टर। लुमिनियस जोल्ट प्लस 1100 नाम का इन्वर्टर, इसकी कीमत है 4,849 रुपये। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है। ये 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी को सपोर्ट करता है। ये वाला जो इन्वर्टर है वो आपको 756 वॉट्स की जो पावर है वो प्रोवाइड कराता है, या 756 वॉट्स तक का लोड ये ले सकता है। ये वाला जो इन्वर्टर है इसमें आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कितने टाइम में इसकी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी, कितना टाइम इसका बैकअप का रह गया है और कौन से मोड में इन्वर्टर चल रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो वारंटी है वो आपको 2 साल की मिलती है लुमिनियस की तरफ से। तो ये घर के यूज़ के लिए 4,849 रुपये में लुमिनियस का इन्वर्टर है जो सबसे अच्छे दाम में है और सबसे अच्छी सर्विसेज के साथ है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइनली अपने 5वें नंबर के इन्वर्टर पर। फाइनली हमारे पास एक इन्वर्टर है जो आपको बहुत अच्छे बजट में है 5वें नंबर पर, जिसमें आपका अगर ज़्यादा बजट नहीं है तब भी आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो ये वाला इन्वर्टर है माइक्रोटेक का, माइक्रोटेक UPS नाम का इन्वर्टर है। इसकी कीमत है 4,014 रुपये। ये सबसे कम दाम में इन्वर्टर है। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर आपको मिलता है इसमें आपका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है वो 210 वोल्ट रहता है। यहाँ पर ये जो इन्वर्टर है वो आपको 760 वॉट तक की जो पावर है वो प्रोवाइड कराएगा। 760 वॉट तक
आपका ये जो है वो लोड ले जाएगा। तो आपका ये जो इन्वर्टर है इसमें चार्जिंग का टाइम तो दिया नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सप्लाई या आपका जो इनपुट है वो कैसा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिया है इसकी डिटेल में। लेकिन अगर हम इसमें बैटरी की बात करें तो आप 12 वोल्ट तक की बैटरी को इसमें चला सकते हैं, 12 वोल्ट तक की बैटरी को ये सपोर्ट करता है। तो ये वाला जो इन्वर्टर है इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है माइक्रोटेक की तरफ से, तो 4,014 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं। सारे ही इन्वर्टर के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपको बताया था टॉप 5 इन्वर्टर इन इंडिया के बारे में। तो इसमें हमने सारे एक इन्वर्टर के जो मेजर फीचर होते हैं वो बताने की कोशिश आपको की थी। अब बाय द वे कुछ छूटता है तो आपको हमने डिस्क्रिप्शन में अमेजोन के लिंक दिए हैं, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए या फिर ऐसे ही रिव्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वेस्टोपीडिया के चैनल को और दबाइए बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।